जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RPL में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे UPSI का जो अभी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है। कब हुआ है दोस्तों? तो 15 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 3 शिफ्ट में हुआ है पेपर प्रत्येक दिन दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट यानी 9 बजे से 11 बजे वाली जो शिफ्ट में पेपर हुआ था उसको हम सॉल्व करेंगे। आपको बता दें कि इसमें टोटल 160 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हिंदी के, 40 दोस्तों जीके होगा मूल विधि के, ठीक है, और 40 रीजनिंग के और 40 मैथ के। तो टोटल 160 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि दोस्तों टोटल 52 सेट हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे सेट आपके समक्ष लाए जाएं, यानी कि हर एक पेपर को हम सॉल्व करें। क्योंकि दोस्तों आपके जो आगामी एग्जाम हैं, जो आपके फिर से UPSI के दोस्तों आने वाले पद हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम बता दें दोस्तों टोटल 160 क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक बार दिखा दें आपको, देखिए 15 नवंबर 2021 का, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 15 तारीख का है दोस्तों, ठीक है, 15 नवंबर 2021 का, ठीक है। और दोस्तों 9 बजे से 11 बजे तक ये पेपर हुआ था। तो टोटल आपको दिखाना चाहें दोस्तों, ये टोटल 50 पेज में है, तो इनको हम पूरे सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको बता दें, अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आने वाली आप तक आसानी से पहुंच सके। और हम कोशिश करेंगे कि सारे सारे पार्ट इसके करवाए जाएं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अब देखिए हिंदी के हैं 40 क्वेश्चन पहले देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, प्रतीप अलंकार किससे किससे संबंधित? दोस्तों आपको बता दें, जो प्रतीप अलंकार है दोस्तों वो उपमा का उल्टा होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार होता है, तो आप प्रतीप अलंकार कह देंगे दोस्तों, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, जैसे दोस्तों विभावना का उल्टा कौन सा होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। विभावना अलंकार का उल्टा क्या होता है, विशेषोक्ति। दोस्तों उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि उपमा का उल्टा क्या होगा दोस्तों, प्रतीप अलंकार होगा। चलिए अगला है, साहित्य के से टाइप किया गया दोस्तों तो कौन सा है, तो नाला सुपारा। दोस्तों आपको पता होगा पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? दोस्तों आपको बता दें, जो विशेषण होते हैं दोस्तों वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी दोस्तों? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। और उस समय दोस्तों हम इन संज्ञा और सर्वनाम को विशेष भी कह सकते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता था कि भैया विशेष की विशेषता कौन बतलाते, तब भी आपको विशेषण बताना था, ठीक है। और दोस्तों संज्ञा सर्वनाम की भी विशेषता कौन बताते हैं, विशेषण बताते हैं। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम होना चाहिए, यहाँ पे संज्ञा नहीं छपा है तो और सर्वनाम की, तो ये भी सही होगा, सर्वनाम और संज्ञा दोनों की विशेषता ये बतलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रोला और उल्लाला से मिलकर कौन सा छंद बनता है दोस्तों? तो आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों दोस्तों जो ये रोला और उल्लाला, याद रखेंगे छप्पे बनता है, छप्पे दोस्तों रोला और उल्लाला से मिलके बनता है, और ये विषम मात्री छंद होता है। क्वेश्चन आएगा कौन सा है, तो ये विषम मात्री छंद होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि जो रोला दोस्तों ये होता है ना, रोला और उल्लाला से मिलकर जो छप्पे बनता है, इसमें 6 चरण होते हैं। और एक और दोस्तों कुंडलियां, देखिए कुंडलियां और छप्पे ये क्या होते हैं, विषम मात्री छंद होते हैं दोस्तों, इनको संयुक्त छंद के नाम से जानते हैं। देखिए कुंडलियों की बात करें तो कुंडलियां दोस्तों दोहा और रोला से मिलकर बनता है। किससे? कुंडलियां क्या रखें, डॉक्टर, डॉक्टर कुंडलियों की, कुंडलियां किसको होते हैं, डॉक्टर से, ठीक है। तो डी से मतलब दोहा, आर से मतलब रोला, तो दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियां बनती है। और छप्पे किससे मिलकर बनेगी, आर यू से, यानी कि रोला और उल्लाला से। और कुंडलियों की खास बात क्या होती है, जिस शब्द से ये शुरू होते हैं उसी शब्द से इनका अंत भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये किसकी पंक्तियां दोस्तों? आपको पता हो चाहिए वही बिहारी लाल जी की है। किसकी है? बिहारी लाल जी की दोस्तों। और इसमें वात्सल्य रस होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता था। चलिए अगला है कि इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास है दोस्तों। और है किसकी ये, तो आपको पता होना चाहिए, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर जी की। किसकी है?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी की रचना है, कौन सी? प्रिय प्रवास है दोस्तों, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और दोस्तों प्रेम सागर किसकी है? तो लल्लू लाल की है। किसकी है? लल्लू लाल की। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लल्लू लाल की है प्रेम सागर। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास है। किसकी रचना है? तो हरिओध जी की है, ठीक है। चलिए अगला है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? तो देखिए कोई भी चीज जो विदेश से आती है उसको हम आगत बोलते, तो क्या हो जाएंगे? आगत उपसर्ग कहलाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है, पौनासन में दोस्तों कौन सा समास है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, पौनासन में हो जाएगा दोस्तों बहुब्रीज समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट जाएगा आपका बहुब्रीज समास। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा निलय मतलब घर होता है, निवास मतलब घर होता है, गृह मतलब घर होता है दोस्तों, मगर प्रवास मतलब दोस्तों प्रवासी, दोस्तों जो बाहर रहते हैं ना, बाहर जाना दोस्तों प्रवास कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभाषा को हम काव्य भाषा के रूप में जानते हैं। किस भाषा के रूप में दोस्तों? तो काव्य भाषा के रूप में हम ब्रजभाषा को जानते हैं। जहां तक बात करते दोस्तों राजभाषा या फिर तकनीकी भाषा, तो दोस्तों राजभाषा और तकनीकी भाषा के रूप में हम खड़ी बोली को जानते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या? खड़ी बोली को हम जानते हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, देखिए राजभाषा की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा संविधान में राजभाषा दर्जा हिंदी को दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों भाग 17 में, क्या? भाग 17 में आर्टिकल कहां से कहां था? तो 343 से लेकर 351 तक, तो याद रखेंगे यह है आपका राजभाषा से संबंधित दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किसे अभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। और दोस्तों स्वयंभू के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों डॉक्टर, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों स्वयंभू को क्या बोलते हैं? अभ्रंश का वाल्मीकि बोलते हैं, ठीक है। तो यह चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या दोस्तों? राम कुमार वर्मा के अनुसार दोस्तों ये हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते हैं। और दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप सरहपा को बता देना। कौन दोस्तों? सरहपा को आप बता देना कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा जी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत और तद्धित किसके भेद है? दोस्तों आपको पता होगा कि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत जो क्रिया और धातु से मिलकर बनते हैं, और तद्धित दोस्तों जो इनके अलावा किसी भी चाहे संज्ञा सर्वनाम से मिलकर बने दोस्तों, उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, चोर उठ भागा दोस्तों। देखिए चोर उठ भागा दोस्तों, तो इसमें कौन सा क्रिया होगा? दोस्तों आपको बता दें कि चोर उठकर भागा अगर होता दोस्तों, तो पूर्वकालिक हम कह सकते हैं दोस्तों उठ भागा, इसमें दोस्तों संयुक्त क्रिया हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संयुक्त क्रिया। क्योंकि देखिए उठना भी एक क्रिया दोस्तों, भागा भी एक क्रिया है, और दो क्रियाएं मिलकर दोस्तों एक क्रिया नए क्रिया निर्माण करती है, उठ भागा दोस्तों। यहां पे संयुक्त क्रिया इसका ज्यादा सही आंसर होगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की नहीं है दोस्तों? तो किसकी नहीं? कौन सी नहीं दोस्तों? नेफा की एक शाम, ये विजय तेंदुलकर जी की नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? दोस्तों आपको पता होगा खड़ी बोली बोली जाती है दोस्तों, ये आपको पता मेरठ के आसपास बोली जाती है। कहां पर? मेरठ के आसपास। अवधी भी बोली जाती है दोस्तों, ये अवध के क्षेत्र यानी कि लखनऊ रायबरेली के आसपास दोस्तों, ठीक है। हमारे यहां दोस्तों कौन सी? अवधी बोली जाती है। ब्रजभाषा दोस्तों पता मथुरा आगरा क्षेत्र में, मगर दोस्तों मैथिली नहीं बोली जाती, ये बिहार की भाषा है मैथिली, मगही भोजपुरी ये बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि मैथिली दोस्तों ये आपकी नहीं बोली जाती। चलिए अगला क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा संयोग का विपरीत दोस्तों? संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग, आपको पता होगा, ठीक है। और दोस्तों बात करते हैं राग का, तो राग का दोस्तों द्वयस होता है, सॉरी द्वयस का दोस्तों क्या हो जाएगा? राग हो जाएगा, तो इसका पर्यावरण विलोम शब्द। चलिए अगला है कि अरे तुम आ गए, तो अरे क्या है दोस्तों? अरे आपको पता है जहां कहीं भी ऐसा चिन्ह लगा हुआ मिलता दोस्तों, वो विस्मयादि बोधक ही होता है, ठीक है। पूर्व विराम ऐसे लगता दोस्तों, योजक चिन्ह आपको पता है कि माता और पिता में लगता जो रहस्य होता है, प्रश्नवाचक दोस्तों कहीं पे प्रश्न पूछने के बोध में प्रयोग होता है। चलिए अगला है, जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों, उसको अकिंचन बोलते हैं। और अकिंचन दोस्तों गरीब दरिद्र आदि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? दोस्तों आपको बता दें कि देखिए होंठ जो होता है हमेशा हमेशा क्या होता है? बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाता है। आपको पता है दोस्तों सोना हमेशा एक वचन होता है, पानी एक वचन होता है, सूरज एक वचन होता है, मगर होंठ दोस्तों हमेशा बहुवचन में इसका प्रयोग होता है, जो शरीर के अंग होते हैं। अगला है, इनमें से खड़ी बोली
के पहले कभी कौन माना दोस्तों? तो आपको पता होगा अमीर खुसरो को दोस्तों खड़ी बोली का जनक भी कहा था। क्या बोलते हैं? खड़ी बोली का जनक कहते हैं अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में बात करें दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज में। कहाँ दोस्तों? कासगंज में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कासगंज दोस्तों पहले इनका जन्म जहां हुआ था वो एटम पड़ता था, एटा से काट के कासगंज बनाया गया। ठीक है, और दोस्तों सरपहा को हमने बताया कि सरपहा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि। और दोस्तों जो ये स्वयंभू हैं तो स्वयंभू के बारे में याद रखेंगे, इन्हें दोस्तों अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और भारतेंदु हरिचंद को दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हों दोस्तों वहां कौन सा होता है? आपको पता है, जहां पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां पे आपका श्लेष अलंकार होगा। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो पानी के तीन अर्थ निकलते हैं, मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग, चून के लिए अलग। दोस्तों अनुप्रास में एक ही दोस्तों वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, ठीक है, और यमक में दोस्तों एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, और परंतु उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं। चलिए अगला है, हम ताजमहल देखने जाएंगे दोस्तों, इसमें कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों इसमें है आपका कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर हम सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम के दोस्तों छह भेद होते हैं, और अगर संख्या पूछता है तो 11 बताना। कितनी संख्या होती है? टोटल 11 होती है। ठीक है, चलिए अगला है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए चंद्र बरदाई हैं। और एक चीज याद रखना कि दोस्तों पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। पूछा जाएगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? दोस्तों किसको माना है? तो पृथ्वीराज रासो का। और हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है? दोस्तों चंद्र बरदाई का। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। दोस्तों जगनिक के बारे में बात करें तो इन्होंने दोस्तों लिखा है आलाखंड। ठीक है, आलाखंड जिसको हम परमाल रासो के नाम से जानते हैं। क्या? आलाखंड। और इसी आला की दोस्तों एक पंक्ति है, 12 वर्ष का कुकुर जीवे और 13 लो जीएसआर। दोस्तों ये भी किसका है? जगनिक द्वारा लिखा गया है आलाखंड का। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया है। चलिए अगला है, सुई और तागे के बीच पे किसकी रचना है? दोस्तों तो आपको बता दें ये केदारनाथ सिंह जी की है। किसकी है? केदारनाथ सिंह जी की है, सुई और तागे के पीछे। अगला है, इनमें से सही शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आपको पता होगा राष्ट्रीय किस तरह लिखते हैं, तो इसी तरह से हम राष्ट्रीय लिखते हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, राम खाता होगा। देखिए यहां पर एकदम दोस्तों संशय है कि खाता होगा, पता नहीं वो खाता होगा कि नहीं खाता होगा, इसलिए दोस्तों याद रखेंगे यहां पर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। ये चीज याद रखेंगे कि आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से किताब शब्द क्या है? दोस्तों आपको पता होगा किताब क्या है। दोस्तों किताब कैसा शब्द है? दोस्तों तो ये विदेशज शब्द है। कैसा है? विदेशज शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, घनाक्षरी कौन सा छंद है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि घनाक्षरी कैसा छंद है। दोस्तों वर्णिक छंद है, इनमें वर्ण गिने जाते हैं। क्या गिने जाते हैं? वर्ण गिने जाते हैं। दोस्तों घनाक्षरी हो गया दोस्तों, है ना, सवैया हो गया, ये सब क्या है? वर्णिक छंद। दोस्तों मात्र छंद की बात करते हैं, जैसे दोहा हो गया, सोठा हो गया, ठीक है, रोला हो गया, उल्लाला हो गया, ये सब क्या है? मात्रिक छंद है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, हरी घास पर क्षण भर दोस्तों कविता का संग्रह किसकी है? तो दोस्तों किसकी है? अज्ञेय जी की है। किसकी है? अज्ञेय। और अज्ञेय की एक रचना है दोस्तों, कितनी नावों में कितनी बार। कौन सी दोस्तों? कितनी नावों में कितनी बार। दोस्तों ये याद रखेंगे, इसके लिए इन्हें क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों। ठीक है, क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों जो शमशेर बहादुर सिंह है इनको याद रखेंगे, इनको दोस्तों कवियों का कवि कहते हैं। क्या बोलते हैं? कवियों का कवि के नाम से भी जानते हैं। किसको? शमशेर बहादुर सिंह जी को हम कवियों का कवि भी कहते हैं। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा? दोस्तों ये क्वेश्चन भी ऊपर भी आता है दोस्तों, ये वाला विस्मयादि बोधक है, ये वाला दोस्तों अर्धविराम है, ये पूर्ण विराम है, और ये प्रश्नवाचक है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती है दोस्तों उसको क्या बोलेंगे? तो आप पता उसको द्विमात्रिक बोलते हैं, और द्विमात्रिक दोस्तों हम किसको बोलते हैं? गुरु स्वर को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए मूल स्वर कौन से दोस्तों? हमको पता है आ, छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ, और उसके अलावा री होते हैं दोस्तों। इनके अलावा जो भी बनते हैं, देखिए मूल स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं, और दोस्तों याद रखेंगे मूल स्वर को ही लघु स्वर भी कहते हैं दोस्तों। संयुक्त स्वर कौन से होते हैं दोस्तों? चार होते हैं, ए और दोस्तों ए और दोस्तों ओ और औ, ये चार होते हैं दोस्तों संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, और गुरु स्वर में दोस्तों ये देखिए चार के चार ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बड़ा आ हो गया,
बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया, ठीक है, और दोस्तों आपका हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4, 3, 7 हो जाएंगे दोस्तों, ये आपके गुरु स्वर में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला, इनमें से भाववाच्य उदाहरण कौन सा दोस्तों? भाववाच्य में क्या होता है कि इसमें दोस्तों जो क्रिया होती है वो दोस्तों पुरलिंग होगी, एक वचन होगा, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो कर्ता होता है दोस्तों वो आपका कौन सा अन्य पुरुष होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता, मैंने पुस्तक पढ़ी दोस्तों, ये क्या है? कर्तवाच्य है, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है दोस्तों, क्या है? कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पे कर्ता नहीं, आम खाया जाता दोस्तों, ये भी क्या है? कर्मवाच्य। तो भाववाच्य आपका हो जाए दोस्तों, धूप में चला नहीं जाता। और दोस्तों भाववाच्य अधिकतर दोस्तों निगेटिव होते हैं, ठीक है। चलिए अगला, रस के कितने अवयव होते दोस्तों? रस के कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन सा? विभाव। कौन कौन से? विभाव हो जाएगा दोस्तों, अनुभाव हो जाएगा, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। क्या दोस्तों? संचारी भाव। और दोस्तों उसके अलावा स्थायी भाव होता है, ठीक है। स्थायी भाव संख्या दोस्तों 9 होती है, और संचारी भाव संख्या कितनी होती है? 33 होती थी। ये भी आपको याद करना है और याद रखना है। और स्थायी भाव संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और दोस्तों रसों की संख्या अगर पूछे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 8 होगी, और ऐसे दोस्तों 9 बताना है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, 34 से 36 का दोस्तों आपको दिया गया पैराग्राफ, इसको आपको आसानी से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हम इसको पढ़ेंगे बहुत समय व्यतीत होगा, ठीक है, और दोस्तों फिर आपको आंसर ये मिलेंगे। दोस्तों इसका 34 का सही हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, लोग काम करते हैं, काम करें दोस्तों, और दोस्तों 35 का हो जाएगा आपका बी नंबर, जिनके दिल में लगन होती है दोस्तों, ठीक है। मतलब कि किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोग हो सकता होते हैं? जिनके दिल में लगन होती है। अगला है, अंग्रेजी पढ़े लिखे ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं, इस वाक्य में क्या ध्वनित होता है दोस्तों? भाषिक पूर्व ग्रहों से ग्रसित है। चलिए अगला, किसी वस्तु प्राप्त करने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? तो आपको पता होगा कि उसको क्या बोलते हैं? अभीप्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभीप्सा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से किस एक शब्द का अर्थ होता है ऐतराज? कहना ऐतराज है मुझे, आपत्ति है। क्या है? आपत्ति है मेरे दोस्तों। तो याद रखेंगे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए रसों की संख्या कितनी मानी है, तो 8 मानी, अभी हमने बताया था। और दोस्तों इन्होंने शांत रस को अपना रस नहीं माना है, ठीक है। और 9वां रस दोस्तों आपका शांत रस है। 10वां कौन सा है दोस्तों? आपको पता होगा वात्सल्य रस है। क्या है दोस्तों? वात्सल्य रस है। और दोस्तों 11वां रस है आपका भक्ति रस, ठीक है। तो याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों 8 ही रस है, यानी कि आपको बता दें उन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया है। और दोस्तों रसों का उल्लेख सबसे पहले कहां मिलता है? तो दोस्तों आचार्य भरत मुनि की एक रचना है नाट्य शास्त्र, उसमें दोस्तों 8 रसों का वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। और दोस्तों हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, काट होना मतलब क्या होता है दोस्तों? स्तब्ध होना। स्तब्ध मतलब कि कोई ध्यान ना होना दोस्तों, एकदम एकटक दोस्तों, ठीक है, एकदम स्तब्ध जाना दोस्तों, काट होने के बराबर। काट मतलब क्या दोस्तों? लकड़ी है ना। तो दोस्तों इस तरह से याद रखेंगे। तो दोस्तों ये हो गए हमारे हिंदी के 40 क्वेश्चन, देख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, ठीक है, यानी कि दोस्तों मूल विधि, संविधान और दोस्तों सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ चुका है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आपको पता हो कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। किसने दोस्तों? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन? कि दोस्तों निम्नलिखित कथनों की बीच संबंध को पहचानिए दोस्तों। क्या है? कथनों के बीच संबंध को पहचानिए। पहला है कि भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर कर लगाने से प्राप्त होता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। और दोस्तों दूसरा है कि संक्षेप में भूमि राजस्व भूमि से प्राप्त उत्पाद पर लगाया गया कर है। दोस्तों ये भी सही है। और आपको बता दें ये दोस्तों बी वाला जो है ए की व्याख्या कर रहा है। दोस्तों बी वाला ए को अंतर्निहित कर रहा है, इसका मतलब सही हमारा क्या हो जाएगा? ए और बी सही है, बी ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा निरुद्ध यानी कि नजरबंदी का आधार होता है मेरे दोस्तों? तो आपको बता दें ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल हो। बिल्कुल भैया सही है,
अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे राज्य की सुरक्षा को दोस्तों हानि पहुंचती है दोस्तों, तो आपको नजरबंद किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अगला है, ऐसे किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के प्रतिकूल है। बिल्कुल सही, फिर भी आपको नजरबंद कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है। बिल्कुल सही दोस्तों, यानी कि तीनों की स्थिति में ही आपको नजरबंद किया जा सकता है दोस्तों। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण दोस्तों। आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों जो शुरुआती होती है दोस्तों उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दुग्धालय, ठीक है दुग्धालय जिसको डेयरी बोलते हैं ये प्राथमिक क्षेत्र होगा। और दोस्तों जूता कारखाना दोस्तों तृतीय क्षेत्र होगा। और दोस्तों परिवहन ये दोस्तों तृतीय होता है जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं ना, तो याद रखेंगे तृतीय क्षेत्र होता है परिवहन और बैंक दोस्तों हम कह सकते हैं तृतीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, जो सेवा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य और अध्यक्ष है ना कि अवधि के लिए पद पर बने थे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं कितने साल के लिए होते हैं, तो दोस्तों 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अगला है कि दोस्तों रायथु साधिकारा संस्था के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया दोस्तों। किसने किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, किसने? आंध्र प्रदेश की सरकार ने दोस्तों। अगला है, इलायची पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए, कार्डमम की पहाड़ियां आपने सुना होगा दोस्तों, विंध्य पर्वत, पूर्वी घाट दोस्तों, या फिर पूर्वांचल, या फिर दोस्तों पश्चिमी घाट। आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट में दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों सबसे ज्यादा यहीं पर दोस्तों पश्चिमी घाट में ही आपको जो बायोस्फीयर है दोस्तों यहीं पर पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन दोस्तों ओपीईसी का गठन किया गया था दोस्तों। तो कहां किया गया दोस्तों, किस संगठन सम्मेलन में? तो बगदाद सम्मेलन में। कहां पे दोस्तों? बगदाद सम्मेलन दोस्तों। आपको बताना है कि बगदाद किस देश की राजधानी, ये आपको हम छोड़ जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसको बताना आपको। ठीक है, चलिए अगला है, कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व को किस रूप में जानते दोस्तों? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था। किस रूप में दोस्तों? रैयतवाड़ी व्यवस्था के रूप में हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साइबर स्पेस के संबंध में गलत है दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों, साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही हमारा गलत है दोस्तों। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है? सही है। यह इलेक्ट्रिक रूप में एक डिजिटल उत्पाद के संचरण और वितरण को सक्षम बनाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये उपयोगकर्ता के लिए निष्पक्ष है जिसका उपयोग वास्तविक उपयोगकर्ता या साइबर अपराधी द्वारा किया था, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। कोई भी व्यक्ति सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से इंटरनेट या वेबसाइट का अधिग्रहण कर सकता है दोस्तों, ये भी सही है। यानी हमारा यही ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल यानी कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था? आपको पता होगा दोस्तों कि संशोधन दोस्तों 1999 हुआ था NAJC दोस्तों, जो कि आपको पता है कि दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के जजों को चुनने के लिए दोस्तों एक संस्था बनाई गई थी, जिसे दोस्तों आपको पता है न्यायिक समीक्षा द्वारा दोस्तों इसको रद्द कर दिया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, एकमात्र संविधान संशोधन कौन सा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था? तो दोस्तों कौन सा है? 99वां संविधान संशोधन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था दोस्तों, तो याद रखेंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि जो 71वां संविधान संशोधन दोस्तों, इसके तहत दोस्तों 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नमक याद रखेंगे, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान कहते हैं। और प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भूमि सुधार जोड़ा गया था। क्या? भूमि सुधार जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन से देश शामिल है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, भारत और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम। चलिए अगला है, वह अरब जनरल कौन सा था जिसने 711 AD में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद बिन कासिम। क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन था भारत पे, तो मोहम्मद बिन कासिम ही था दोस्तों, तो याद रख लेंगे।
बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों को संबंधित है दोस्तों, उनसे संबंधित कौन सा है? तो 105वां अनुच्छेद है। कौन सा है? 105वां अनुच्छेद है। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता? दोस्तों आपको पता होगा कि निर्वाचन आयोग किसमें है दोस्तों, तो आर्टिकल 324 में दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल संबंधित है, तो आर्टिकल 324 से इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है ग्रेफाइट, डायमंड और दोस्तों क्या बकमिंस्टर फुलेरिन किस तत्व के अप्रूफ है दोस्तों, किसके हैं? तो ये कार्बन के हैं। किसके हैं? तो कार्बन के अप्रूफ हैं, ठीक है। चलिए अगला है राजीव गांधी सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति की नियुक्ति की थी दोस्तों? आपको पता होना चाहिए, एलएम सिंघवी समिति। क्या दोस्तों? एलएम सिंघवी समिति दोस्तों। इसके बारे में अगर आपको मैं बताना चाहूं तो दोस्तों ये एक ऐसी समिति थी जिसके द्वारा दोस्तों पंचायती राज यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। और एक चीज बता दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो त्रिस्तरीय है दोस्तों, ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर आई थी, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, स्पेसएक्स के मामले में अदालत ने कहा कि वह नगर पालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के लिए बहाने के रूप में संसाधनों की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगी दोस्तों। तो कौन सा मामला था आपको बता दें, तो नगर परिषद रतलाम बनाम वर्धी चंद्र दोस्तों, ठीक है। चलिए एक चीज याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है, तो दोस्तों ये है आपका भाग 14। क्या है दोस्तों? भाग 14 है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाने जाते दोस्तों, कौन है इंटरनेट के जनक? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौन है, विंडसर्फ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। देखिए जो चार्ल्स बैबेज है दोस्तों, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहते हैं। बिल गेट्स दोस्तों आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट के हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है इनकी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला है, वाहन चलाना कोई अपराध नहीं है दोस्तों, तो किसके दोस्तों? तो वाहन चलाना दोस्तों किसके कोई अपराध नहीं माना जाता दोस्तों? तो बिना इमोबिलाइजर के दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न स्पेस दोस्तों के मामले में उठाया गया था? किस मामले में उठाया गया था दोस्तों? याद रखेंगे एके राय बनाम भारतीय संघ के मामले में उठाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो 1947 में। कब? 1947 में मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने व बसने के लिए किस अनुच्छेद में निहित दोस्तों? तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 दोस्तों, आपको पता है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता बताया गया, और इसमें दोस्तों टोटल कुल मिलाकर दोस्तों 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान में दी गई हैं। पहले दोस्तों 7 की संपत्ति को भी इसी में था दोस्तों, उसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों, उसी का एक हिस्सा है ये भी, संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1985 में की गई थी, ठीक है। चलिए अगला है, नगद में प्राप्त अधिकतम रुपए तक के व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना दोस्तों, कितने? तो 50,000 रुपए को क्या करते हैं? उपहार नहीं मानते, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया है दोस्तों? तो किसने किया है? तो यूरोपीय संघ ने। किसने? यूरोपीय संघ ने। चलिए अगला क्वेश्चन, आईपीसी के अनुसार एक ठग को का दंड दिया था दोस्तों, क्या होता है जब कोई ठग होता है दोस्तों? तो उसको आजीवन कारावास और जुर्माने तक की दोस्तों सजा होती है आईपीसी के द्वारा। क्या दोस्तों? आईपीसी के द्वारा उसको दोस्तों आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा दी जाती है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित हुए हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया था दोस्तों, उसके तहत ये सब किए गए हैं। और दोस्तों एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है ये है दोस्तों, ये दोस्तों संविधान में सबसे बड़ा स्रोत है, यानी संविधान में दोस्तों लगभग लगभग इसी को हूबहू एक्सेप्ट किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में दोस्तों कहां का स्रोत सबसे ज्यादा लिया गया दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1935 को सबसे ज्यादा एडॉप्ट किया गया है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और दोस्तों बात आती है जब भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद कहां से लिया गया दोस्तों, तो भारत शासन अधिनियम 1919 से। चलिए अगला है कि मोन खमेर भाषा समूह से संबंधित दोस्तों, तो मोन खमेर भाषा समूह कहां संबंधित दोस्तों, तो आपको बताना चाहिए कि ऑस्ट्रो एशियाई से। दोस्तों अगर बात करते हैं द्रविड़ की, तो द्रविड़ में दोस्तों हमारे साउथ भारत के यानी कि साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं, चाहे वो मलयालम हो, तेलुगु हो, तमिल हो या कन्नड़ हो, वो दोस्तों आपके द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को व्यक्त करना है दोस्तों। तो आपको पता होगा बंधुत्व दोस्तों, तो बंधुता है दोस्तों, यानी दोस्तों ये क्या करता है, भाईचारे की भावना को दर्शाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों समाजवादी शब्द आपको पता होगा ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, आपके जो प्रस्तावना दोस्तों इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे है ना, तो ये दोस्तों अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये 3 चीजें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके किसमें दोस्तों, प्रस्तावना में ये जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन शहर के नाम से जानते हैं, कारपेट सिटी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कारपेट सिटी दोस्तों, किसको, तो दोस्तों भदोही को हम कारपेट सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है याद रखेंगे भदोही को दोस्तों हम कालीन नगरी के नाम जाते हैं दोस्तों। और देखो वाराणसी दोस्तों किसके लिए फेमस है दोस्तों, ये दोस्तों किसके लिए फेमस है, तो रेशम की साड़ी के लिए, ठीक है रेशम की साड़ी के लिए दोस्तों बहुत फेमस है। मेरठ दोस्तों आपको पता है इसको क्रांति नगरी क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रांति नगरी या फिर कैंची नगरी कहते हैं, या फिर कैंची नगरी कहते हैं। और दोस्तों इससे खेल नगरी भी कहते हैं, यहाँ पे खेल का सामान बहुत ज्यादा फेमस है, खेल का सामान। और दोस्तों यहाँ पे वार मेमोरियल ऑफ एनिमल्स भी खोला जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 28 सितंबर को, कब दोस्तों 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 79A दोस्तों आपको पता है कि जो दोस्तों जीएसटी है, क्या जो जीएसटी है मेरे दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोस्तों, ये 101वां संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा, तो भाग 4। क्या दोस्तों, भाग 4, भाग 4 में क्या है दोस्तों आपको पता होगा क्या है दोस्तों, तो नीति निदेशक तत्व, क्या है दोस्तों नीति निदेशक तत्व दोस्तों, राज्य के नीति निदेशक तत्व दोस्तों, और जो कि कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से कहां तक है दोस्तों, तो 35 से दोस्तों 51 तक है, क्या आर्टिकल 35 से 51 तक है मेरे दोस्तों, ठीक है। और भाग 5 में क्या दोस्तों, भाग 6 है दोस्तों राज्य है, ठीक है, और दोस्तों भाग 9 है, ठीक है, और दोस्तों भाग 3 याद रखेंगे ये दोस्तों मौलिक अधिकार है, क्या है मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या है मौलिक अधिकार दोस्तों, आपको पता है कि टोटल दोस्तों मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है वर्तमान में, 6 है दोस्तों, ठीक है। मौलिक अधिकार दोस्तों कहां से लिए गए हैं दोस्तों, यूएसए से लिए गए, कहां से, यूएसए से दोस्तों, ठीक। इसका सही आंसर होता है भाग 4, इसमें क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से संबंधित है, 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक, ठीक है याद कर लेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि सेबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। सेबी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों। सेबी का पूरा नाम ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेबी, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति होती है दोस्तों? तो वो भी किसके पास होती है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं, किसके पास? भारत के राष्ट्रपति जी के पास होता है। चलिए अगला है कि मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2A के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित अधिकार है दोस्तों। किससे संबंधित अधिकार है? जीवन, स्वतंत्रता, समानता या फिर व्यक्ति की गरिमा दोस्तों। तो सभी से संबंधित है दोस्तों, जीवन से भी, स्वतंत्रता से भी, समानता से भी और व्यक्ति की गरिमा से। यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ए बी सी और डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित योजनाओं में से किस का उद्देश्य टीबी रोगियों को पोषण संबंधी सहायता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है दोस्तों? किसके तहत? तो दोस्तों निक्षय पोषण योजना के तहत। किसके तहत दोस्तों? निक्षय पोषण योजना के तहत दोस्तों टीबी मरीजों को दोस्तों सहायता प्रदान करना होता है। चलिए दोस्तों 40 क्वेश्चन हमने जीएस के भी देख लिए, अब दोस्तों देखते हैं किसके नंबर एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट के दोस्तों 40 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अभी तक हमने 80 देख लिए हैं, अब 80 क्वेश्चन और भी बचे हैं दोस्तों, इनको हम जल्दी जल्दी से करते हैं। तो दोस्तों अब हम 40 क्वेश्चन दोस्तों किसके देखेंगे? न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है कि देखिए निम्नलिखित चिन्हों को के समुच्चय में से इसका उपयोग को दोस्तों इसके स्थान पे प्रतिस्थापित करना और इसको सही ढंग से कर देना है। दोस्तों एक चीज समझिएगा, इसको देखिए, इसमें आपको चिन्ह भरने हैं कि किस प्रकार से दोस्तों इसको बराबर किया जा सकता है दोस्तों। तो हम अगर 20 करें, ठीक है, और दोस्तों ये वाला चिन्ह लगा लें, पहले गुणा लगा लें, फिर 4 हो गया, फिर दोस्तों उसके बाद माइनस कर दें, 8 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा आपका 20 80 से 8 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 72 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा दोस्तों? 72 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर 72 बच गया, अब देखिए इधर वाला देख ले भाग, तो 128 और 128 के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों? भाग हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और फिर दोस्तों 2 हो जाएगा, फिर क्या है? प्लस का 8, ठीक है दोस्तों। अगर इसको हम 2 से काटते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों? 64 बचेगा, और 64 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। देखिए 72 पहले भी आया था, 72 अभी आया, इसका मतलब दोस्तों ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 72 72, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों ये आया है आपका बार है दोस्तों, बार काट दिया है, इसको आपको पहचानना दोस्तों, फिर इसके आंसर देखने देने हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि नीचे दिया गया दंड आरेख 2011 और 15 तक तीन अलग अलग लैपटॉप कीमत हजारों में का डेटा दिखाया गया है, ठीक है। अब पूछा क्या गया है दोस्तों? 2013 में वाई की कीमत 2013 में एक्स की कीमत से कितना अधिक है दोस्तों? तो यहाँ पे देखेंगे 2013 में वाई की कीमत, ठीक है, वाई की कीमत दोस्तों यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पहले वाई, हाँ देखिये 2013 में वाई की कीमत एक्स कीमत से कितना अधिक? देखिए वाई की कीमत कौन सी है दोस्तों? ये वाली, तो 32 है, ठीक। और एक्स कीमत से कितना अधिक? 18 दोस्तों एक्स है, गुणा करेंगे दोस्तों 100 से, दोस्तों ये काटेंगे तो 16 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 1600 9 जाएगा दोस्तों, काटेंगे तो दोस्तों आपका आंसर सही जाएगा, 77.77 77 77 है ना, ये आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर दोस्तों आया है कि ए ने एक्स को 8% साधारण ब्याज पर इतने रुपये हिस्से उधार दिए, शेष राशि को साधारण ब्याज की दर पर 4% पर वाई को उधार दिए, 5 साल बाद उन्हें दोस्तों इतने रुपए कितना दोस्तों? 33,280 रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो फिर वाई को कितनी राशि उधार दी गई है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,800 मेरे दोस्तों, क्या 12,800 दोस्तों। इसको हम लगाएंगे तो इस पर हम इसको समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये छोटी सी स्क्रीन है, इस पर दोस्तों मैथ्स लगाना बहुत ही असंभव है, ठीक है। तो दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने प्रोवाइड करा देंगे, जिसका टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करा दोस्तों वहाँ पे ये पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, इसका नाम है दोस्तों ज्ञान आर बी एल ऑफिशियल, ठीक है। तो यहाँ जा करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ पर दोस्तों आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस
और दोस्तों भाग का अर्थ प्लस और माइनस का अर्थ दोस्तों भाग हो तो इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 है और प्लस का अर्थ दोस्तों गुणा कर रखा तो 4 लिख लेंगे, और दोस्तों गुणे का अर्थ माइनस का रखा तो 15 लिख लेंगे, और दोस्तों माइनस का अर्थ भाग लिख रखा है दोस्तों तो माइनस का अर्थ भाग लिखा है दोस्तों तो 3 कर लेंगे, और दोस्तों भाग का अर्थ क्या है प्लस है दोस्तों तो कितना कर देंगे 2 कर देंगे। अगर इसको हम काटना चाहें दोस्तों ये 3 × 5 = 15 दोस्तों ये 5 हो जाएगा, और दोस्तों 5 × 20 और माइनस 5 और प्लस का तो दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 22 से 5 घटेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा 17। चलिए अगला दोस्तों 1624 की घात 24 के इकाई का अंक कौन सा होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों कि देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है 2 पाइप दोस्तों, ठीक है दोस्तों क्या है 6वां नंबर है, 2 पाइप 693 मिनट में और 1155 मिनट में टैंक को भरते हैं, टैंक में एक रिसाव पाइप भी है, जब तीनों को खोला जाता है तो खाली टैंक 662 मिनट में भर जाता है, तो पाइप रिसाव पाइप टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा दोस्तों, तो 6930 मिनट लेगा दोस्तों, ठीक है इसको आप लगाएंगे तो 6930 मिनट आ जाएगा। अगला है कि वर्ष 2047 का कैलेंडर कब समान होगा दोस्तों, ठीक है तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं क्या ये लीप वर्ष है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। देखिए पहले इसमें क्या करेंगे दोस्तों 2047 में 11 साल जोड़ेंगे, कितने जोड़ेंगे 11 साल जोड़ेंगे, ठीक है 11 साल जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा 2058 आ जाएगा, 2058 तो बिल्कुल सही दोस्तों 2058 जाएगा दोस्तों, ये कैलेंडर कब रिपीट होगा 2058 जाएगा दोस्तों 11 साल जोड़ेंगे। अगर देखिए अगर ये दोस्तों ये आपका लीप ईयर आता फिर दोस्तों 5 माइनस कर देते तो वो आता, मगर ये लीप ईयर नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है तो इस तरीके से अगर देखिए, और दोस्तों अगर लीप ईयर पहले हो दिया हो तो उसमें 28 जोड़ के हम ले आते हैं, ठीक है तो ये चीज भी याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसंत ने अपने दो बेटों के लिए 52,500 की वसीयत छोड़ी जिनकी उम्र 18 वर्ष और 19 वर्ष है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21 साल होने पर उन्हें बराबर मिलने चाहिए, छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या होगा दोस्तों, छोटे बेटे का हो जाएगा 25,000 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 36 छात्रों का वजन दोस्तों इतना है और शेष 20 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना होगा दोस्तों। दोस्तों आपको बता दें कि इनका दोस्तों गुणा कर लेंगे आपस में, इनका गुणा कर लेंगे और दोनों को जोड़ करके मेरे दोस्तों तो कितने से हम भाग करेंगे, जो जोड़ आएगा दोस्तों उसको हम 36 और 20 56 से भाग दे देंगे दोस्तों, वही हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, 56 से भाग करेंगे दोस्तों 53 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है अनुक्रम 273 273 273 के 161 पदों का अगर योग करेंगे दोस्तों, तो इन पदों का योग करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 43,953। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, देखिए रजनी का क्वेश्चन है, कथन दिया गया है कि जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है, जॉन का कुत्ता प्रतिदिन सुबह 3 बजे भौंकता है। अब देखिए जॉन का कुत्ता, अब निष्कर्ष क्या है कि जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे सुबह उठ जाता है, भैया ये हम नहीं कह सकते दोस्तों क्या कि जॉन का कुत्ता प्रतिदिन 3 बजे उठ जाता है, मतलब जरूरी है कि वो पहले भी उठता हो, ठीक है जॉन का कुत्ता कभी सोता नहीं दोस्तों ये भी गलत है, ठीक है तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही जाएगा दोस्तों कि ना तो एक अनुसरण कर रहा है ना ही दो, तो बिल्कुल सही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, एक नाव धारा की दिशा की ओर दोस्तों 29 घंटे में 261 किलोमीटर जाता है और विपरीत दिशा में 28 घंटे में दोस्तों 196 किलोमीटर जाता है, तो पानी की गति क्या होगी दोस्तों, तो कितनी हो जाएगी एक, कितनी हो जाएगी दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एस बराबर 75 समान पात पी बराबर कितना होगा दोस्तों, एस बराबर 75 है दोस्तों तो पी बराबर 60 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि एक सुभाषी अपने ऑफिस जाते समय मार्ग में अपनी मित्र सारा से मिला, सारा की छाया श्री के एकदम दाईं ओर पड़ती है, तो एक दूसरे के सम्मुख है दोस्तों, मतलब एक दूसरे का मुख करके हैं, तो सारा का मुख किस दिशा में दोस्तों, तो उत्तर की दिशा में सारा का मुख है दोस्तों। अगला दोस्तों देखिए ये संख्या दी हुई दोस्तों, इसमें आपको बताना कि अगला पद इसका कौन सा होगा दोस्तों, अगला पद हो जाएगा हमारा सी नंबर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए
अब दोस्तों ये संख्या दी हुई है कि 23 × 34 × 45 × 56 × 67 × 78 से विभाजित करना, तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, तो आप करके देखिएगा, एक शेषफल आ जाएगा। अगला, एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी वह 40% का लाभ कमा लेता है। दोस्तों यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य दोस्तों 18,600 है दोस्तों, तो वस्तु का क्रय अंकित मूल्य क्या होगा, 34,720 रुपए। चलिए फिर से दोस्तों आ गया है कथन निष्कर्ष वाला। देखिए स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट आ गया दोस्तों, क्या है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक गलत कथन है, जिसके बाद दोस्तों एक और दो तर्क दिए गए हैं, मतलब एक कथन है उसके दो तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क प्रबल है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, क्या भारत में जंक फूड के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहा है, हाँ ये कुछ देशों में प्रतिबंध, देखिए हमें किसी देश से तुलना नहीं करनी होती दोस्तों, तो बिल्कुल ये तो गलत ही हो जाएगा। अगला है, नहीं फास्ट फूड आसानी से आपकी भूख को संतुष्ट कर सकता दोस्तों, ये भी गलत ही है। ठीक है, ये भी क्या है, गलत ही है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ना तो एक प्रबल है और ना ही दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से दोस्तों कथन है कि कोई भी लड़का लड़की नहीं है दोस्तों, तो कोई भी लड़का दोस्तों लड़की नहीं है दोस्तों, ये कोई भी लड़का लड़की नहीं है और कोई भी लड़का विद्यार्थी नहीं है, कोई भी लड़का क्या है, ये दोस्तों विद्यार्थी नहीं है, मतलब लड़की हो सकती है मगर दोस्तों लड़का विद्यार्थी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि सभी लड़कियां क्या विद्यार्थी हैं, सभी लड़कियां देखिए सभी लड़कियां विद्यार्थी हैं दोस्तों, ये भी गलत है, और कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी दोस्तों, ये सही हो सकता है मगर दोस्तों एक में सही होगा एक में गलत, तो दोस्तों दोनों के दोनों गलत ही हुई हो जाएंगे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, सभी चावल मक्का हैं और कुछ मक्का पटसन, देखिए सभी चावल क्या हैं, मक्का हैं और कुछ मक्का क्या हैं, पटसन हैं। ठीक है, और सभी पटसन क्या हैं, धान्य हैं, सभी पटसन क्या हैं, ये धान्य हो जाएंगे दोस्तों, इस तरह से बनेगा, तो कुछ चावल पटसन है दोस्तों, कुछ चावल पटसन है दोस्तों, तो ये नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, और कुछ धान्य चावल है दोस्तों, कुछ धान्य चावल हैं दोस्तों, ये हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 480 रुपए खर्च किए, फिर उसने उसे 20% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने उसे 30% के हानि पर सी को बेच दिया, सी ने अंततः उसे 10% लाभ पर 3696 रुपए में बेचा, तो ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया दोस्तों, कितना किया है, तो 3520 रुपए भुगतान किया है ए ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 30/31 और 32/33 का लाशा क्या होगा दोस्तों, आपको पता है कि 30/31 और दोस्तों 32/33 का लाशा, तो दोस्तों ऊपर वाले लाशा निकालेंगे, नीचे वाले का मासा निकालते हैं, इस तरीके से दोस्तों हम इसको ज्ञात करते हैं, हमारा 480 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि 10,040 रुपए को 2 पुरुषों 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करना है कि एक महिला और एक लड़के का हिस्सा 3:1, एक पुरुष एक महिला एक लड़के का हिस्सा दोस्तों कितना जाए, 3:2:1 के अनुपात दोस्तों, एक पुरुष कितना मिलेगा दोस्तों, 120 रुपए उसको मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों ये दंडारेख दिया गया दोस्तों 2014 में, देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि दोस्तों 2014 में लैपटॉप जेड और 2015 में लैपटॉप एक्स के कीमत के बीच के अंतर क्या हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो 2014 में जेड, देखिए 2014 में जेड कितने हैं दोस्तों, तो 2014 में जेड को कितने मिले हैं, देखिए जेड ये आपका 20 है। ठीक है, और दोस्तों 2015 में एक्स कितना मिला है, 2015 में आपके एक्स को मिला है दोस्तों कितना मिला, 27 दोस्तों, 27 मिला है, तो कितने का अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक, कितने का अंतर है, 7 का अंतर, दोस्तों हमारा बिल्कुल सही सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है कि एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड लगता है, यदि उसी ट्रेन को पुल पे खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो 594 हो जाएगी। 26 नंबर देखते हैं, देखिए गुरुत्तर श्रेणी का आया है, इसका कितना कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 5 दोस्तों, ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों B12, L19 और V26 और F दोस्तों क्या हो जाएगा, 33 दोस्तों, इसका अगला पद क्या होगा, तो अगला पद हो जाएगा दोस्तों P40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए
ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता होगा कि 7-7 बढ़ रहा है, ठीक है, तो 7-7 ये 40 आ जाएगा, तो यहाँ तक लेंगे बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक फल के नाम के अक्षर में सी टी पी आई ए आर और ओ है, यदि सही यदि अक्षरों को सही ढंग से पुनर्व्यवस्थित किया जाता है तो निर्मित फल का दूसरा नाम क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, तो दूसरा अक्षर क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका पी आ जाएगा। ठीक है, ये कोई फल का नाम बनेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 29 नंबर क्या कहता है कि दो व्यक्तियों ए और बी ने क्रमशः इतने इतने रुपए व्यवसाय में शुरू किए, वे सहमत हैं कि लाभ को 40% उनके बीच में विभाजित किया जाना चाहिए, बाकी को उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित करना है दोस्तों। तो ए और बी को दोस्तों, ए को दोस्तों बी से कितने 24 और 48 में अधिक मिलते, तो कुल लाभ क्या होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 21,420। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसको सॉल्व करना है, देखिए ये सरलीकरण का आ चुका है दोस्तों। ठीक है, तो इसका अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों 11 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए पाइप टंकी का आया है दोस्तों, ए 843 मिनट भर सकता है, बी 1686 मिनट भर सकता है दोस्तों। तो अगर दोनों को खाली कर दें, ठीक है, दोनों को अगर दोस्तों दोनों को हम खाली करना चाहें, मतलब दोनों के साथ चला दें दोस्तों, टैंक कितने समय भर जाएगा दोस्तों, 562 मिनट लगेंगे उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने है ना 28,980 डॉलर में सामान बेचा और दोस्तों प्रक्रिया में 26% लाभ कमाया, यदि उसने अपना माल 24,955 डॉलर में बेचा हो दोस्तों, लाभ का परसेंट क्या होगा, तो दोस्तों 8.5%। ठीक है, चलिए अगला, राकेश अपनी मासिक आय का 10% अपने घरेलू पर, 15% किताबों पर, 20% कपड़ों पर आज पे खर्च करता है, बाकी बचाता, हिसाब लगाने पर उसे पता चलता है कि आखिरी में उसके पास कितने बचे हैं, तो 19,569 रुपये की बचत की, तो बताइए कितना मासिक आय होगा दोस्तों। आप बता दें देखिए कितना होगा, तो 20, 10, 30 और 30, 15 दोस्तों, तो आपको बता दें 45% उसने खर्च कर दिया दोस्तों, 55% उसके पास कितना बचा, तो 19,569 बच गया। तो यहाँ दोस्तों 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा 35,580। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिया गया इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा, जल प्रतिबिंब देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाता है दोस्तों, अगर इसको हम सही से खड़ा करें दोस्तों वही बन जाए, वही जल प्रतिबिंब होगा दोस्तों। देखिए तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ई को खड़ा करें इस तरह बन जाएगा दोस्तों, एल देखिए एल इस तरह है, देखिए एल इस तरह है, इसको पलटेंगे दोस्तों ये हो जाएगा, इसको खड़ा करेंगे इस तरह से हो जाएगा, सी तो सेम बनेगा, ये देखिए ए ऐसे है तो ऐसे पलटेंगे दोस्तों ए बन जाएगा, टी भी ऐसे उल्टा सीधा करेंगे दोस्तों सही हो जाएगा, इसको अगर खड़ा करते दोस्तों इस तरह हो जाएगा, बी को इस तरह, ये तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जल प्रतिबिंब क्या होता है, उसको खड़ा करने दोस्तों उसका सेम जैसा अवस्था ग्रहण कर ले दोस्तों, ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 35 नंबर, दिए गए दंड आरेख में दोस्तों 2011 से 2015 के बीच 3 लैपटॉप की कीमत दोस्तों हजारों में डेटा दिया गया दोस्तों, ये देखिए जो ऊपर दिया गया था दोस्तों उसी का है क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें दोस्तों 27.6 सही हो जाएगा। अगला दोस्तों आ चुका आपका फिर से सरलीकरण का दोस्तों, इससे सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि अर्धगोले का कुल प्रस्थ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, पाई का पाई बराबर दोस्तों दिया है, पाई का मान दिया है 3.14 सेंटीमीटर में दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा 8478। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों अगर दिया है ट्रबल को दोस्तों ओ आर टी वी ई एल बी दे दिया गया दोस्तों, देखिए इन्हीं को चेंज कर दिया गया इधर करके, ठीक है, तो दोस्तों काउंसिलर क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 39 से 40 में दोस्तों दिया गया है, फिर उसी का 2007 का उत्पादन 2010 के उत्पादन से कितना परसेंट अधिक है दोस्तों, 60 होगा, ये दोस्तों वही वाला दिया है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, ये भी दिया 44.44% हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ तो दे चुके हैं आप दोस्तों, अंतिम 40 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अंतिम 40 क्वेश्चन बचे हैं, किसके हैं, मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, याद नहीं दोस्तों आपके रीजनिंग के बचे हैं, तो रीजनिंग को देखते 40 क्वेश्चन रीजनिंग के दोस्तों है। एक पासा 1 से 6 तक संख्या की गई दोस्तों, 3 के विपरीत कौन संख्या होगी दोस्तों, तो 3 के विपरीत कहा जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, तो 4, 3, 7। ठीक है, आपको पता है ये दोस्तों पासा का होता है, इनके अंकों का योग कितना 7 होता है। ठीक है दोस्तों, 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6 होगा। ठीक है, 2 के विपरीत 5 होगा और 3 के विपरीत 4 होगा दोस्तों, 3 के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 3 हो जाएगा ना, तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 4 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक तथा सामाजिक रूप से हाशिए में रहने वाले समूहों की महिलाओं के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित दोस्तों, तो महिला कामाख्या कार्यक्रम दोस्तों, देखिए यहाँ पर रीजनिंग के भी क्वेश्चन डाले गए हैं कुछ है दोस्तों, रीजनिंग वाले में भी जीएस के क्वेश्चन भी डाले गए। ठीक है, अगला है दोस्तों,
यदि सी बराबर दो है ना, एट द रेट बराबर छः, डॉलर बराबर चार, और दोस्तों एंड बराबर तीन, और परसेंटेज बराबर 12। तो दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है। अगर दोस्तों इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए सी का दो दिया है तो दो प्लस दोस्तों एंड का दिया है तीन, गुणा एट द रेट दिया है दोस्तों छः, छः लिख लेंगे, और दोस्तों उसके बाद ये छः है दोस्तों, और माइनस दिया है दोस्तों परसेंटेज ये 12 हो जाएगा, और डॉलर दिया है दोस्तों, डॉलर कितना दिया है चार दिया, तो यहाँ पे चार हो जाएगा। इसको काटेंगे दोस्तों ये तीन हो जाएगा, ठीक। और ये दोस्तों 36 18 हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे टू हो गया, और दोस्तों 36 18 माइनस तीन, तो यहाँ पे देखते हैं 18 तो 20 हो जाएगा, और 20 से 3 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, तो 17 आ जाएगा। तो बिल्कुल से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी दोस्तों कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। चलिए, दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र ज्ञात करें दोस्तों, कौन सा चित्र असंगत है ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा चित्र असंगत है, तो ये दोस्तों इसमें दोस्तों आपका चौथा चार नंबर ये गलत बताएगा, ठीक है, चार, ठीक है। अगला है, इसमें कहा गया अनुक्रम में कितनी विषम संख्या जो जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है, तो कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है। दोस्तों पहले विषम संख्या हम देखेंगे, देखिए पांच है, ये तो हो नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक सम होनी चाहिए दोस्तों, ये भी है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए तीन है तो तीन भी नहीं होगा। अब देखिए एक ये हो जाएगा, एक सही है, तो देखिए एक है इसके ठीक पहले सम है, तो एक ये होगा दोस्तों। अब देखिए सात भी नहीं होगा, अब देखिए दो भी देखिए यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। अब देखिए विषम है दोस्तों, ये नौ हो जाएगा, नौ के पहले सम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है कि आपका उसके जस्ट पहले, अब देखिए तीन हो जाएगा, ठीक है, एक एक ये हो गया दोस्तों, है ना, एक हो गया। उसके बाद दोस्तों आप देखते हैं सात है, ठीक है, सात हो गया दोस्तों, और एक आपका तीन है दोस्तों। टोटल कितने निकालते हमने, तो पांच हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, महिलाओं के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक CEDAW का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, तो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में ए से शुरू करने पर प्रत्येक दूसरा अक्षर छोटे अक्षर में लिखा जाता है, तो बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए हैं, तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, तो किस तरह लिखना है, तो आपका डी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि दोस्तों इसमें क्या बताना है कि कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है मेरे दोस्तों, तो देखे BEMPLGWZ और KN दोस्तों, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, LJ नहीं होगा, क्या हो जाएगा, LJ गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते दोस्तों आपका आ चुका है A@B, अर्थात क्या होगा, AB का पति है, और A has B यानी AB की पत्नी है, और A$B यानी AB का भाई है, और A% B दोस्तों AB की बहन दोस्तों। अगर दोस्तों इस संबंध को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो क्या जाएगा, सिस्टर इन लॉ आ जाएगा, क्या जाएगा, सिस्टर इन लॉ दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें चित्र बताया गया दोस्तों, क्या है ये चित्र कोई दिया गया है, इसमें इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, अर्जुन सारा के पिता सचिन का इकलौता बेटा है, अर्जुन की मां का सचिन के साथ क्या संबंध था दोस्तों, तो पत्नी का, क्या, पत्नी का संबंध था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें दोस्तों, तो 8 है, 9 है, 12 है, 18 है, और दोस्तों फिर 28 है, ठीक है, 8 है, फिर 9 है, फिर 12 है, 18 है, 28 है, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा क्या, 43 हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 43। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर कि एक लड़के की फोटो को इंगित करते हुए एक आदमी ने अपने पिता से कहा, यह आपके इकलौते पुत्र की पत्नी के भाई का इकलौता पुत्र है, तो लड़के का उस आदमी के साथ क्या संबंध होगा दोस्तों, तो नेफ्यू का हो जाएगा, किसका, नेफ्यू का संबंध होगा। देखिए ये दिया है दोस्तों असंगत बताना है, तो दोस्तों कौन सा होगा, तो कॉस्टली हमारा बी नंबर असंगत हो जाएगा। अगला है, कौन से वर्ग 7 से संख्याकित है दोस्तों, विवाहित और शिक्षित दोस्तों, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्या है कि उत्तम पूर्ण रूप से करेगा दोस्तों, ये आकृति का है दोस्तों, ठीक है, तो आकृति इसमें दिखाई नहीं गई है, ठीक है। चलिए 18 नंबर दोस्तों का पंक्ति संबंधित है कि एक पंक्ति में ए पी और क्यू के मध्य खड़ा है, पी पंक्ति के आरंभ से 28वें स्थान पे है, क्यू पंक्ति के अंत से 20वें स्थान पे है, पी और ए के मध्य दो व्यक्ति हैं, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे, 53 व्यक्ति हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिया 74:39 और 67:63, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कैमल, काल्फ, फिर रैबिट का दोस्तों क्या होगा, तो रैबिट का हो जाएगा किट हो जाएगा, क्या हो जाएगा किट हो जाएगा। चलिए अब कैमल का बच्चा होता तो रैबिट का होता किट होता दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों यदि कोलोनाइजेशन शब्द में सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाई और सातवें स्थान पे होगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा आपका पी नंबर। चलिए 22 नंबर क्या कहता है, एक लड़की 15 किलोमीटर दोस्तों पश्चिम की ओर चलती है, बाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ने से पहले फिर बाएं मुड़ती है, तो अब वह किस दिशा के सम्मुख है दोस्तों, तो वो पश्चिम में ही होगी दोस्तों, क्योंकि आप पता है दोस्तों कि चार बार मुड़ने दोस्तों उसी दिशा में आ जाता है आदमी, ठीक है, चार बार मुड़ेगा तो उसी दिशा में आ जाएगा, नहीं पश्चिम ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 7, 15, 28, 59 और 114, तो इसका दोस्तों अगला पद क्या होगा, 233 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 233। अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए और ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का पिता है दोस्तों, तो आपको बताना है क्यू इंटू पी प्लस आर माइनस एस में पी का एस से संबंध क्या होगा दोस्तों, ब्रदर का हो जाएगा यानी कि भाई का संबंध होगा। अगला है दिए गए चित्र में कितने बार दोस्तों, चित्र तो आया नहीं छपा नहीं, तो चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये कथन वाला है ऐसा क्वेश्चन, तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए नंबर। और 27 नंबर दोस्तों, फिर से दोस्तों अगर अल्टर को दोस्तों ये डी ओ डब्ल्यू एच यू लिख देते हैं दोस्तों, डेप्थ को क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे जी एच एस डब्ल्यू के लिखेंगे। चलिए अगला है वेन आरेख में दोस्तों, अगर दोस्तों काजू, देखिए कौन सी संख्या काजू और किशमिश को निरूपित करेगी दोस्तों, तो वेन आरेख छपा नहीं दोस्तों, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा, ये दोस्तों पद वाला है श्रृंखला है 25, 152, 249, 316, 353 के बाद 360 आ जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों 360 हमारे बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर चलता है, तो बी पर पहुंचता है दोस्तों, बताइए ए बी के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 8 किलोमीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, देखिए ये आपको ध्यान से पढ़ना दोस्तों, इससे आपको क्वेश्चन सही से निकाल देना है दोस्तों, इसका डी नंबर सही जाएगा। 32 दोस्तों, भारतीय संहिता 1860 की धारा 375 में किन अपराधों से संबंधित दोस्तों, तो आपको बता दें बलात्कार है ना, रेप संबंधित है धारा 375। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव अभियान सप्ताह मनाया था दोस्तों, कब मनाया था है, तो 19 से 25 नवंबर के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि शब्द दोस्तों माइनॉरिटी के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रम में लिखा जाए, यानी दोस्तों लास्ट के इनको उपरण दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर के दूसरे अक्षर के दाएं से सातवें स्थान पर होगा दोस्तों, तो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई। चलिए 20, 10, 10.5, 10.5, 11.5 दोस्तों, अगला क्या हो जाएगा 17.25 है ना, 17.25। चलिए अगला क्वेश्चन, ए दाएं छोर से 20वें स्थान पे है, यदि ए को 4 स्थान बाएं स्थानांतरित किया जाता तो ए बाएं छोर से किस स्थान पर होगा दोस्तों, 24, ठीक, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 37 नंबर, एक बॉक्स में 5 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनकी कुल राशि 1972 है, तो सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है, तो बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, कितने 116 हो जाएगी, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला है, किसी कूट भाषा में यदि ग्रेस को दोस्तों टी आई जेड एक्स वी के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, और भाषा में रेडियो को कैसे करेंगे दोस्तों, तो आई जेड डब्ल्यू आर एल करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है, कौन सा पुलिस बल महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के प्रतिष्ठानों जैसे हवाई अड्डों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, रक्षा उत्पादों इकाइयों और तेल क्षेत्रों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, आपको पता होगा दोस्तों CISF यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोस्तों, ये ज्यादातर दोस्तों उन चीजों को संरक्षित करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे ये दोस्तों बहुत ही मतलब कि किसी संस्था के लिए दोस्तों होती है, जैसे कि कोई हवाई अड्डा हो गए है ना, मेट्रो हो गए, इन पे सब पे काम में आते हैं। चलिए अगला है कि अनुच्छेद 17 दोस्तों, आपको पता होगा कि ये अस्पष्टता का अंत के लिए संबंधित दोस्तों, और अस्पष्टता
का दोस्तों जो अधिनियम था वो 1955 में लाया गया, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थी आज का, ये पूरा पेपर हमने सॉल्व किया है, और भी दोस्तों इसके हम पेपर सॉल्व कराएंगे, इसीलिए कहते हैं दोस्तों चैनल बने रहिएगा। ये पेपर दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। अगर इसके पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, आप ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल जो आपका टेलीग्राम चैनल है, ज्ञान आरबीएल हमारा चैनल है, इसके बाद दोस्तों आपको ऑफिशियल लगा के चले जाना हमारे चैनल पर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और हमारी ई बुक भी है हिंदी की, 50 रुपये में दोस्तों आप हमसे ई बुक प्राप्त कर सकते हो दोस्तों, 7905419251 पे दोस्तों आप WhatsApp करके दोस्तों इस पर स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।